कि जन दिन झारखंड के लोग झारखंड के भाषाएं पढ़े लगतो, झारखंड के भाषाएं लिखे लगतो, तो एखनी के तो हरवे पारवे नहीं, तो ना तोर भाषाएं वो लिखे देतो, ना तोर भाषाएं पढ़े देतो, ना तोर आगू बढ़े देतो। विनोद बाबू के कोई साथी अगर हो ना तो ओकरा पूछिया, विनोद बाबू हमेशा कह हलै कि झारखंड तो दो दिन अलग कर देबो, तो आज को हमें दो दिन झारखंड अलग कर देबो, लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के, झारखंड तो हमें दो दिन अलग कर देबो, लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के, कहे कि तोर लोक हुआ ना आओ, विधायक तो बन जितो, विधायक तो तोनी बन जीवे, कहे कि तोर लोक वोट दिए पड़तो, लेकिन कई गो तोनी पढ़ल लिखल है, कई गो तोर जज आहो, कई गो तोर वकील आहो, कई गो तोर कलेक्टर आहो, चले तो के झारखंड आज भी ओटे है, आज भी ओटे चल रहा है, चले तो के झारखंड। विनोद बाबू रांची दिखे जाना ना, ऐसा तो नहीं ना कि विनोद बाबू धनबाद बोकारो में रह गए, गोटे झारखंड जाना है, तो विनोद बाबू एगो लाइन कहा ला पढ़ो और लड़ो, सुना ला बा, पढ़ो और लड़ो कहा ला इधर पढ़े खूब पढ़ला, बेटा छो भी पढ़ला और बेटी छो भी, लेकिन जखन लड़क बाड़ी अल मुर्गा लड़ेल थोन, सच्चाई लगा है, बहुत नुकसान भला इगला में, आज बहुत नुकसान हमने भला है, कारण है कि हमने कभी पढ़े में ध्यान ना दली, हमने लड़ले तो गलत जगह में लड़ले, भाई भाई में एक बित्ता जमीन खातिर लड़ गए, गोतनी गोतनी गहना खातिर लड़ गए, तो विनोद बाबू ये लड़ाई टी नहीं कह रहा है, विनोद बाबू कह रहा है जखन माटी रोटी बेटी जखन भाषा संस्कृति जखन अस्मिता पे संकट है तो तखन लड़ना है, आज खातिर कह रहा है विनोद बाबू कि तोरा आज लड़ना है। हमने देश के एक बहुत बड़ा महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा में एक लाइन कहा ला लाइन, जयपाल सिंह मुंडा के जाना है ना, एकमात्र ऐसे तो बहुत सारा हल्दी आदिवासी संसद में, लेकिन एकमात्र आवाज अलग जो पूरा संसद के हिलाई कर रखा ला, एक लाइन कहा ला लाइन, अध्यक्ष महोदय आप जिसे विकास करते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्र साबित होगा, आज भी कब्र साबित हुआ, कैसे आपने विकास कहा डैम को, आपने विकास कहा कोलियरी को, लेकिन विस्थापन कौन हुआ, आदिवासी मूलवासी, आपने क्या कहा कि चांडिल डैम बना दिया विकास हुआ, लेकिन मेरा हजारों घर बेघर हुआ वो मेरे लिए कब्र साबित हुआ, 70 साल पहले जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आप जिसे विकास करते हैं वो हमारे लिए कब्र का साबित होगा, आज वही दर्द ऑटे दर्द लगो। और एक बात, हम हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति से भेद नहीं है, वो बिहार का रहे चाहे यूपी का रहे चाहे बंगाल का, हम अपने राज्य में आपकी भाषाओं को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि राज्य मेरे लिए बना है, हमारे भी 12 लाख लोग कोरोना काल में 12 लाख लोग कोई तमिलनाडु से कोई महाराष्ट्र से वापस आया, क्या हमार भाषा हुआ है, जब ना तो झारखंड चारागाह कहे, झारखंड चारागाह कहे, यह सरकार को बताना होगा, आज तमाम विधायकों से इस सत्र में केवल यही बात करनी होगी कि झारखंडी कौन है पहचान कीजिए, फोकट में नहीं मिला है झारखंड, 88,000 लाखों शहादत के बाद झारखंड मिला है, लोग कहते हैं ना भाई भाई, अरे भाई 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 का मतलब है पंजाब और हरियाणा का बंटवारा, हरियाणा ने अलग राज्य मांगा पंजाब ने दे दिया, भाई भाई का मतलब होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा, छत्तीसगढ़ ने अलग राज्य मांगा मध्य प्रदेश ने दे दिया, झारखंड और बिहार भाई भाई अगर कहते हैं तो आप लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं, क्योंकि हमने 88 साल लड़ा है, भाई भाई की बात नहीं कीजिएगा, एक गुलाम और एक गुलाम और मालिक की बात कीजिए, हमने 88 साल लड़ा है, भाई भाई वो नहीं होता है, एक भाई अधिकार मांगे दूसरा दे दे उसे भाई भाई कहते हैं, यहाँ भाई भाई जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम सबका सम्मान करते हैं, हमने सबका सम्मान किया है, कैसे से कह देबो, एगो भीख मांगे वाला के कहिए तो भीख मांगे तो दुकान चल जो कोई व्यापारी ही वो डूबी देते कथी देता है डूबी बुझा ना कटोरी हाँ डूबी भीग देता है से हो गार दे के भीग देता है तुम्हें कोकरो गांव जो वो सुपिया देता है वो भोगता सुपिया देता है
और सोप माने की कि अरे भीख मांगे वाला तोहू भरल रही है, तोरो कुछ ना घटत है हमरो कुछ ना घटत है, सैटा लगे सूप के माने। तो हमें तो सबके लेके चलल है, हमें तो सबके लेके चलल है। अब एकर माने की हमर घर से हम तो भगेबे, माने झारखंड सबके, महाराष्ट्र लगे मराठी खातिर, गुजरात लगे गुजराती खातिर, बंगाल लगे बंगाली खातिर, बिहार लगे बिहारी खातिर, और झारखंड सबके की नहीं ना। देखो गांव में कहावत हल बुझवा, खासकर मैं काकी जेठी गिला कि ललवाग बहु सबके भोजी, सुनल हा कि ललवाग बहु भैंसुरो भोजी ससुरो भोजी, कब नहीं लेल्हा लगे चाहे सियान लगे वो जकर भोजी तकरे भोजी, सैन्य झारखंड जकर लगे ओकरे झारखंड सबके ठिका नहीं ले लाइए। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 19(6) का हवाला देते हैं कि अनुच्छेद 19(6) में लिखा है कोई कहीं भी जाके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। लोग कहते हैं, थोड़ा दो चार गो पढ़ा लिखा लोग बोलता है कि तुम लोग झारखंड बिहार यूपी बंगाल में कहे भेद कर रहा है, कोई कहीं भी रह सकता है। तो उन लोगों को सीधा संदेश देंगे, आप थोड़ा सा पढ़ना संविधान का और पलटिए, 19 में कहे अटके हैं, उसमें 395 तक है, तो आप 371 में जाइए, आप संविधान का अनुच्छेद 371A में जाइए, वहां स्पष्ट लिखा है नागालैंड नागाओं का होगा किसी के बाप का नहीं होगा। 371A में स्पष्ट है कि नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। 371B असम के लिए, ऐसने करते करते तोड़ जाए के 10 गो आर्टिकल है जकर में ऊ राज्य में क्यों जमीन तक ठीक से नहीं ले सकल है। यहां तक कानून है कि अगर विधानसभा से पूछ के ओकरा कानून बनवे देते, यही नहीं भारत एक संवैधानिक देश लगे, जे संविधान के उल्लंघन करते वो की कह लेते देशद्रोही गद्दार कह लेते ना। तो अब तो हम लोग CNT का बात करेंगे कि CNT का जिसने भी उल्लंघन किया है वो IAS रहे IPS रहे चाहे मिनिस्टर रहे चाहे जज रहे वह देशद्रोही है वह गद्दार है, क्योंकि संविधान अनुसूची 9-12 को अनुसूची है, अनुसूची में परिवर्तन करने का साहस सब में नहीं है, उसके लिए बहुत बड़का प्रक्रिया है। 12 को अनुसूची में एक अनुसूची है 9 जिसमें भूमि का कानून है, कानून 284 है, कानून 284 है जकर में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तेलंगाना जितना राज्य जितना केंद्र शासित राज्य है सब के जिक्र है, जकर में कानून नंबर 209 है, अकर में कानून नंबर 209 है, और 209 कानून की गए पता हो 46, 47, 48, 49 CNT कानून लगाए, 71 ABC 240, 141, 42 CNT कानून अनुसूची 9 में है, जकर में 46 कह रहा है कि एक आदिवासी ST SC OBC का जमीन उसी का कौम का आदमी खरीद सकता है। तो आप बताइए रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, आप बताइए संविधान की बात करने वाले न्यायपालिका में बैठने वाले लोग बताइए, IAS IPS देश को चलाने वाले आप बताइए रांची में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, जबकि वो कानून संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। आप गद्दार हैं।